कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन और फिर अपना मुकद्दर भी खुद लिख। निदा फाजली की ये कुछ लाइनें हैं जो मुझे बड़ी कमाल की लगती हैं कि आदमी अपने मुकद्दर का सिकंदर तो खुद ही होता है, बस उसे अपने मुकद्दर की तरफ बढ़ते जाना है। हाँ, और इस बीच में सबसे अहम है कोशिश नहीं छोड़नी है। श्वेता तोमर देहरादून की, उनकी भी कहानी कुछ ऐसी ही है। UPES presents Red FM पे एक पहाड़ी ऐसा भी। श्वेता ने मोहाली से फैशन डिजाइनिंग किया था। 2015 में शादी हो गई तो श्वेता अपने हस्बैंड के साथ बंगलुरु शिफ्ट हो गई। सोचा अपना खुद का बिजनेस होता तो कितना अच्छा होता। कहते हैं ना, व्हाट यू थिंक यू बिकम। एक दिन श्वेता अपने हस्बैंड के साथ यूं ही घूमते फिरते एक गोट फार्म जा पहुंची। वो जगह उन्हें बहुत अच्छी लगी। फिर उनको ख्याल आया कि क्यों ना अपना खुद का गोट फार्म खोला जाए। श्वेता बकरियां पालेगी, ये सुनकर घर वाले शॉक्ड हो गए। बट वो इतनी डिटरमाइंड थी कि सब ने कहा कि ठीक है, एज यू विश। बस श्वेता ने गोट फार्मिंग की ट्रेनिंग ली और बंगलुरु से सीधा देहरादून आ गई। बैंक लोन लेने पहुंची तो श्वेता की स्टोरी सुन बैंक वाले भी हैरान रह गए। पर लोन मिल गया और 2016 में श्वेता ने 300 बकरियों के साथ खोला प्रेम एग्रो फार्म। देहरादून एयरपोर्ट से 4-5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे लिस्त्राबाद रानी पोखरी में बना श्वेता का गोट फार्म, जो कि काफी हाईटेक है। बकरियों की केयर के लिए फार्म में CCTV कैमराज भी लगे हैं। श्वेता अपने हस्बैंड रॉबिन की हेल्प से फार्म ऑपरेट करती हैं। इनफैक्ट लोकल लोगों को फार्म में काम मिलने से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है। अब तो टिहरी, चमोली, कोटद्वार और बाकी पहाड़ी एरियाज के साथ साथ नेपाल, उड़ीसा, यूपी, एमपी और हरियाणा से भी लोग गोट फार्मिंग की ट्रेनिंग लेने आते हैं श्वेता के पास, जिनमें से बहुतों ने अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया है। इसीलिए श्वेता बिलीव करती हैं कि उनके इस इनिशिएटिव से उत्तराखंड के लोगों को सोर्स ऑफ इनकम का नया प्लेटफॉर्म मिला है, जो डेफिनेटली उन्हें एक बेटर फ्यूचर देगा। अमेरिकन एनिमेटर और मिकी माउस के कैरेक्टर को डेवलप करने वाले वॉल्ट डिज्नी कहते हैं कि हमारे सपने तो जरूर पूरे होते हैं, बस उनको पूरा करने के लिए हमें हौसला रखना होता है। और ठीक इसी तरह का काम कर रही हैं श्वेता। तो श्वेता, ऑल दी वेरी बेस्ट। आप ऐसे ही बेहतर करते रहिए और लोगों को इंस्पायर करते रहिए। अगर आपके पास भी है ऐसी ही कोई कहानी तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ के साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग हों इंस्पायर और कुछ बेहतर करें अपने आसपास के लिए, अपने उत्तराखंड के लिए, हमारे इस देश के लिए। देखते रहिए ये सीरीज जिसका नाम है एक पहाड़ी ऐसा भी। मेरा नाम है काव्य। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेर हिमाला हिमाला तेरी जय जयकारा, मेर पहाड़ा। Presented by UPES, University with a Purpose. 93.5 Red FM. बजाते रहो।